देखो 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 भाई, तू आराम से चल, तू इतना तेज चल क्यों रहा है यार? ठीक हो आप? ठीक हो, क्या हुआ? हाँ, टांगों में शिवरिंग हो रही है, लड़की की टांगे कांप रही है, देख रहे हो आप? क्या बात है, गाइस अब ये बंदा इतने गंदे तरीके से चला रहा था, ये देख रहे हो मुझे खून निकल गया यार। ओ शिट मैन, इसको बोलते हल्की पावर, देख रहे हो? ओए 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 ओए, शाबाश 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 शाबाश, देखते हैं पहले कौन करता है। गाइस यहां पे ड्रैग रेस लग चुकी है, ठीक है, ये सो फाइनली गाइस यहां पे चेक करो, यहां पे हमारी बाइक का बिल बन चुका है, ठीक है, तो यहां पे बिल चेक कर सकते हो आप, 2,80,000 बिल बना हुआ है यार। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे होंगे, सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल आलिन व्लॉग्स। कैसे है मेरी YouTube फैमिली? होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस देख लो, आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है फिर से अपने रूम से। एंड गाइस अभी हमारे पास 3 प्ले बटन होने वाले हैं यूट्यूब की तरफ से, बिकॉज जो आलिया लाइफस्टाइल वाला चैनल है ना, उसका सिल्वर प्ले बटन भी मैंने अप्लाई कर दिया है। तो पीछे आप चेक कर रहे हो, अभी वॉल पे 2 प्ले बटन लगे हैं ना, तो इसके साथ एक और सिल्वर प्ले बटन लगने वाला है जल्दी ही, तो वो बहुत खतरनाक लगेगा, तो देखते हो कितने दिनों में आता है। तो गाइस अभी ऐसा सीन, अभी हम निकल रहे हैं डायरेक्ट कावासाकी के लिए, बिकॉज जो हमारा हल्क है ना वो कावासाकी में लगा है। आप लोगों ने परसों वाला ब्लॉग तो देख लिया होगा, मीटअप वाला ब्लॉग, उसमें हमारा कूलेंट ओवरफ्लो हो गया था, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा रैप कर रहा था बाइक को, तो मैंने सोचा यार एक बार अच्छे से उसको चेक करवा लेते हैं। तो चलो यार अभी अपने हल्क को लेने जाते हैं, उसकी मॉडिफिकेशन का काम भी स्टार्ट हो गया हुआ है। एंड गाइस कल की वीडियो पे आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए थे ना, मैंने सबके कमेंट्स पढ़े। एंड गाइस एक अजीब चीज है, पहले आप लोग सारे एक ही चीज के लिए कमेंट करते थे, इस बार आप सबने अलग अलग कमेंट किया। कोई बोल रहा है शार्क वाला रैप करवाओ, कोई बोल रहा है पुराना वाला रैप करवाओ, कोई बोल रहा है नया रैप करो, और कोई लोग बोल रहे हैं कि करवाओ मत रैप, ऐसे ही रखो भाई, कैसे अच्छी लग रही है। तो यार मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया, मैं पहले ही इतना ज्यादा कंफ्यूज था, आप लोगों ने मुझे और कंफ्यूज कर दिया, आपको पता है। तो गाइस आप लोग टेंशन नहीं लो, जो भी करेंगे यार अच्छा ही करेंगे, पिछली बार भी बहुत खतरनाक मॉडिफिकेशन की थी, एंड इस बार भी बहुत खतरनाक मॉडिफिकेशन होने वाली है। तो चलो यार अभी मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ, हमारी बॉडी कैसी लग रही है कमेंट करके बताओ। ये देखो मैं आपको वाउंड का अपडेट देता हूँ, रुको उधर दिखाता हूँ। सो गाइस कुछ ऐसी लग रही है अपनी फिजिक, अभी मुझे जिम जाते हुए 15 दिन हो गए, मैं रेगुलर तो जिम नहीं जा पा रहा हूँ, पर बीच बीच में चला जाता हूँ यार, मतलब ऑल्टरनेट डेज चला जाता हूँ, तो बॉडी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है यार, मतलब पंप अच्छा खासा रहता है बॉडी में। तो मैं आपको वाउंड की कंडीशन दिखाता हूँ अभी, ठीक है। सो गाइस ये चेक करो, यहाँ पे मैं ज़ूम करता हूँ, ये देखो भाई, ये देख रहे हो भाई, ये पूरी तरह से हील हो गया हुआ है, पर ये निशान ऐसे ही रहेगा मुझे लगता है, देख रहे हो, ये देखो, ये चेक करो, देख रहे हो कितना रेड रेड लग रहा है भाई, ये चेक करो। अब तो मैं इस पर हाथ भी फेर सकता हूँ आराम से, देख रहे हो, इस पे हाथ भी फेर लेता हूँ मैं, अब कोई चक्कर नहीं है। गाइस वाउंड पे लगाने के लिए ऑइंटमेंट वगैरह आती है, क्रीम्स वगैरह आती हैं, ठीक है, वो लगाएंगे इसके ऊपर कि निशान मिट जाए। बहुत अजीब सा लग रहा है वैसे निशान, ऐसा लग रहा है किसी ने कट मारा हुआ, देख रहे हो ना। तो चलो यार अभी जल्दी से निकलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो सीधा मिलता हूं आपसे गोप्रो में। सो फाइनली गाइस ये चक्कर, मैंने मोटर व्लॉगिंग सेटअप पहन लिया, तो चलो यार अभी निकलते हैं। क्या हुआ, हवा नहीं है? गाइज थोड़ी सी कम है, चलेगी वहाँ तक तो चली जाएगी। तो गाइज हमने अपनी KTM RC 390 को कोल्ड स्टार्ट कर दिया, तो चलो यार जल्दी से निकलते हैं, चलते हैं अपने हल्क को लेके आते हैं, तो फिर सैम अपनी KTM को वापस ले आएगा। ओ भाई फेंक दिया था फिर से, किसी दिन मैं बड़ा गंदा गिरूंगा ये करते करते। सो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं हाईवे पे, एंड गाइस इतनी खतरनाक वाली गर्मी है ना इधर, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, मेरी बाजुएं जल रही है कसम से, इतनी खतरनाक वाली। कल हम राइडिंग गियर्स भी ले लेंगे यार अपने। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतने दिनों से राइडिंग गियर्स क्यों नहीं लिए, यार मैंने राइडिंग गियर्स ऑर्डर किए हुए हैं, वो अभी तक पहुंचे नहीं है यार, उनको थोड़ा टाइम लग रहा है। राइडिंग गियर्स के बगैर राइड करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है यार, क्या बात है भाई। एंड गाइस मुझे आप लोगों को एक गुड न्यूज भी देनी है, ठीक है, तो वो मैं आपको कावासाकी में जाके दूंगा। गाइस अभी आप यहाँ पे चेक कर रहे हो क्या खतरनाक वाला ट्रैफिक लगा हुआ है यार, आगे हुआ क्या मुझे ये नहीं समझ आ रही है, पूरा रास्ता बंद है आगे तक, मैं नीचे उतर जाऊँ क्या भाई? बहुत बड़ा स्टेप है ये, दिखता नहीं है इतना बड़ा, पर है बहुत बड़ा है। गाइस मुझे समझ नहीं आ रही है ट्रैफिक लगा किसकी वजह से यार, यहाँ पे कौन है भाई? ओए 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 ओए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाइस ये क्या तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। A few moments later, तो गाइस अभी हम इसकी बाइक लेने के लिए आए थे, ठीक है। ओ भाई कितनी शांति हो गई एकदम,
तो गाइस अभी हम इसकी बाइक लेने के लिए आए थे, तो चलो यार अभी डायरेक्ट कावासाकी चलते हैं, वहां से अपना हल्क लेते हैं। तो गाइस आज हमारे साथ दोनों बाइक्स होने वाली है, 10R भी होने वाली है और आज हमारे साथ हल्क भी होने वाली है, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो चलो यार अभी जल्दी से निकलते हैं। सो गाइस यहां पे चेक कर रहे हो, यहां पे काउल लगा हुआ था इसमें पहले, ठीक है। तो अभी यहां पे हम सीट लगाने वाले हैं, ये देख रहे हो सीट आ गई हुई है। वैसे अंधेरा क्यों आ रहा है इतना मुझे समझ नहीं आ रही है, चल यहां से शूट करते हैं। सो गाइस यहां पे जाकर हमारे साथ आ चुका ध्यान, तो अभी भाई एक बाइक ला रहे हैं हम गाड़ी पैसे वापस। ये चेक करो गाइस, ये निकल गया हमारा काउल, तो इसकी जगह सीट लगेगी। वैसे तो काउल बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, पर काउल टूट जाएगा अगर मैं काउल पे बैठूंगा। मेरा इतना ज्यादा वेट नहीं है, पर हमें रिस्क नहीं लेना है। तो चलो यार अभी जल्दी से निकलते हैं, तो सीधा मिलते हैं आपसे कावासाकी में। ये लो रेड बुल पियो गाइस। अब ये बंदा इतने गंदे तरीके से चला रहा था, ये देख रहे हो मुझे खून निकल गया यार, क्या कर रहा है तू? ये देख क्या हो गया तेरे को, खून कैसे निकल रहा है भाई? मैंने पकड़ा तेरे को जोर से, चेन से कट गया हाथ मेरा। गाइस ये बहुत गंदे तरीके से चल रहा है। फाइनली गाइस अभी हम आ चुके कावासाकी वापस यार, इतना खतरनाक सीन हुआ ना, इस बंदे ने ऐसे बाइक चलाई, मेरा अभी तक सर घूम रहा है यार। तो गाइस अंदर लगा अपना हल्क, तो मैं आपको अपना हल्क दिखाता हूँ। तो हेलो, सो गाइस यहाँ पे लगी अपनी बाइक, देख रहे हो। तो गाइस मैं इनको बोल रहा था ये मिरर निकालो, बिकॉज ये बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, मधुमक्खी जैसी लग रही है हमारी बाइक। एंड गाइस अभी हम ये वाले ग्रिप्स इंस्टॉल करने वाले हैं, बिकॉज जो इसमें पहले लगे हैं ना यार, ये बहुत ज़्यादा लूज़ हो गए हुए हैं, ठीक है। तो ये डोमिनो के ग्रिप्स हैं, डोमिनो, हाँ। तो गाइज अभी इनको इंस्टॉल करते हैं, आपको प्रोसीजर दिखाता हूँ पूरा। सो गाइज यहाँ पे चेक कर रहे हो, यहाँ पे ये काट रहे हैं, ग्रिप को काट रहे हैं पूरी को। भाई काट किससे रहा है तू, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है भाई, कैसे काटते हैं? ये देख रहे हो गाइज, धागे दुगे बांधे हुए हैं बाइक को, फिर भी क्रैश हो जाता है, करे क्या? और नहीं नहीं ऐसे नहीं जाएगा भाई, लुब्रिकेट करो थोड़ा, मैंने बैट में बड़ी ग्रिप डाली, थोड़ा लुब्रिकेट करो, ऐसे नहीं जाएगा गाइस। देख रहे हो नाकाम कोशिश कर रहे हैं डालने की, ऐसे जाएगा ही नहीं, इसको लुब्रिकेट करना पड़ेगा। बाबा लुब्रिकेट करो यार पहले, ऐसे थोड़े ना लगेगा यार, क्या वो देखना, वो एक इधर लगा हुआ है, देख रहे हो मैंने लगा दिया, ये देख रहे हो, ये आदमी अपनी अपनी अविश्वसनीय, नहीं एक मिनट, अपनी अविश्वसनीय, क्या बोलते भैया, अविश्वसनीय, विश्वसनीय, शाबाश 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 शाबाश, देखते पहले कौन करता है। गाइस यहां पे ड्रैग रेस लग चुकी है, ठीक है, ये चीटिंग नहीं करो, चीटिंग नहीं करो गाइस, देखते पहले ग्रिप कौन चढ़ाता है। गाइस हम रिस्पांसिबल नहीं, अगर बाइक को कोई डैमेज आता तो कावासाकी वालों ने हाथ खड़े कर दिए, ये खुद ही कर रहे हैं कुछ ना कुछ, देखते गाइस कौन जीतता है। चलो चलो लगाओ जोर, अब मुझे उसे लगा दो हट साइड। गाइस ये देख रहे हो, ये टीम भी जीत चुकी है गाइस, टीम अकेले ही लग गया हुआ है।
बस बस सेक्सी है। क्या आप बात है गाइस, देख रहे हो ग्रिप इंस्टॉल हो चुकी है देखो। सो गाइस इसका कूलेंट भी ओवरफ्लो हो गया था बिकॉज इंडिपेंडेंस डे के दिन हमने बहुत ज्यादा रब किया था। ये देख रहे हो पिंक कलर का कूलेंट होता है इसका। क्या आप बात है भाई, देख रहे हो तो गाइस अभी रेडिएटर में कूलेंट डल रहा है, ये चेक करो रेडिएटर में क्या तुम? ये देख रहे हो ठीक है भाई, अब तो नहीं प्रॉब्लम आएगी कोई। आप हर बारी मुंडी लाते प्रॉब्लम फिर भी आती है यार। यार कुछ तो पहले देते हो बाइक की तिद्दी मार के रख देते। सो फाइनली गाइस यहां पे चेक करो, यहां पे हमारी बाइक का बिल बन चुका है ठीक है। तो यहां पे बिल चेक कर सकते हो आप, 280,000 बिल बना हुआ है यार ठीक है। तो ये जितना भी है 86,000। सो फाइनली गाइस अभी हम यहां से निकल रहे हैं ठीक है। यहां पे लगी अपनी KTM RC 390। एंड गाइस यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे एक और केटीएम हमारे बच्चे पता नहीं ऐसे क्यों भाग रहे हैं। सो फाइनली गाइस अभी हमारा हल्क रेडी हो चुका है यार, तो चलो यार इसको लेके निकलते हैं ठीक है। सो गाइस जाके भाई को सपोर्ट करो यार ठीक है, मैंने डाल दिया है। ओके व्हीली देखनी है, चलो मारता हूँ। सो गाइस हमने पब्लिक डिमांड पे एक व्हीली मारी, कैसी लगी? खतरनाक थी, चलो सही है। सो फाइनली गाइस यहाँ पे 10 RP रेडी हो चुकी है, तो चलो यार अभी निकलते हैं। तो गाइस अभी हमें फ्यूल भी डलवाना है बाइक में, तो पहले फ्यूल डलवा लेते हैं। गाइस आज आपको खतरनाक खतरनाक व्हीलीज दिखाने वाले हैं, तो यार ब्लॉग पूरा देखना, आज के ब्लॉग में बहुत मजा आएगा आपको। साउंड कंपैरिजन भी बनाएंगे दोनों का ठीक है, तो बहुत मजा आएगा। अभी फ्यूल डलवा लेते हैं यार, इसमें एक ही बार बचा है। सो गाइस अभी फ्यूल डल रहा है अपनी बाइक में, तो जल्दी से पेमेंट करते हैं यार फिर निकलते हैं। क्या ओहो गाइस लड़की की टांगे कांप रही है, देख रहे हो आप? क्या बात है भाई, वो देखो 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 भाई, तू आराम से चल, तू इतना तेज चल क्यों रहा है यार? ठीक हो आप? ठीक हो, क्या हुआ? हाँ टांगों में शिवरिंग हो रही है। यहाँ पे बैठो ना, उधर बैठो जाके। चक्कर क्यों आ रहा है गाइस? यहाँ पे क्यूट गर्ल को थोड़े चक्कर आ गए। हाँ जी भैया, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? क्या चल रहा है? सो फाइनली गाइस ये चेक करो, अभी हम कुछ ऐसी सी लोकेशन पे आ गए हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले साउंड रिएक्शन वीडियो बनाते हैं ठीक है, देखते हैं किसकी बाइक ज्यादा लाउड है, 10R ज्यादा लाउड है या हल्क ज्यादा लाउड है, दोनों की कंपैरिजन वीडियो बनाते हैं। सो गाइस पहले 10R के साउंड सुनते हैं। आप इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा और आगे आ जाओ। करता रहे करता रहे गाइस, अभी आपने 10R की आवाज सुनी, तो चलो अब हल्क की आवाज सुनाते हैं आपको ठीक है। क्या हुआ? इसकी ज्यादा है? आप पहले शख्स हो जिसने ये बोला है 10R की आवाज ज्यादा है? क्या बात है गाइस, गाइस कानों में इफेक्ट लग रहा है मुझे इनके। ये पहला इंसान है जिन्हें बोला हल्की आवाज कम है भाई, इससे लाउड कोई बाइक नहीं है भाई। चलो यार गर्मी लग रही है, तू निकल रहा है क्यों? चल ठीक है मिलते हैं ठीक है, आराम से जाना। गाइस मैं 2-3 दिन से सोच रहा था कि यार आराम से वीडियो बनाऊंगा एक जगह रुक के, जब से हमें बाइक मिली है ना मैं बहुत जल्दी जल्दी में था, तो आराम से वीडियो नहीं बना पाया। तो गाइस फ्यूल पंप वाला इशू भी बिल्कुल ठीक हो चुका है, कूलेंट वाला इशू भी बिल्कुल ठीक हो चुका है। एंड गाइस फेयरिंग तो आप देख ही सकते हो, फेयरिंग हमने दोनों नहीं लगवाई हुई है ठीक है, फेयरिंग भी नहीं लगवाई है। अब बस गाइस एक ही काम बचा है, हमें मॉडिफाई करवानी है, रैप करवाना है वापस से ठीक है इस पे। तो रैप में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, आप लोगों को पता तो है, पर 2-3 दिन में हम अपना रैप भी फाइनल कर देंगे एंड फिर इसकी मॉडिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। चलो अभी KTM RC 390 के साथ थोड़ी सी ड्रैग रेस लगाते हैं। आगे देख, आगे देख, ये चेक कर रहे हो आप? भगा 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 भगा, क्या बात है गाइस, देख रहे हो अभी KTM कैसे भाग रही है। ओ भाई 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 भाई, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, क्या बात है, आपको अपनी KTM वर्सेस हल्की ड्रैग रेस कैसी लगी कमेंट करके बताना भाई, मजा ही आ गया कसम से यार। गाइस अभी मैं शाम को ज्यादा भगाने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज यार इसकी ब्रेक्स जो है ना वो सुपर बाइक की कंपैरिजन में बहुत कम है, जैसे मैं इसको भगा सकता हूँ रोक सकता हूँ ना ये नहीं कर सकता, इसीलिए इसको बोल रहा हूँ थोड़ा आराम आराम से ही चल। खतरनाक है यार, लोग रोड क्रॉस करते हैं इसीलिए मैं भगाता नहीं हूँ।
आवाज बहुत खतरनाक है यार। ओए 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 बजने लगा था, क्या कर रहा है भाई? ये ऑलमोस्ट क्रैश हो गया था गाइस, तेरे को तभी बताता हूँ ना, इसकी ब्रेक नहीं बजती, आराम से चला कर। उसके साथ बजने लगा था तू, आया क्लिप में आया गाइस, इसके ब्लॉग में जाके देख लेना कैसे बचा। सैम ब्लॉग्स करके इसका चैनल है, ठीक है? तो जाके देखो भाई बचा कैसे है। इसको समझाता हूँ, इसको तेज मत चला भाई, ये तेज चलती तो है पर रुकती नहीं है यार। सो फाइनली गाइस यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे हो रहा है सनसेट, तो चलो यार सनसेट के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। तो ये था आज का ब्लॉग, होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ हमारी वीडियो कैसी बनी है। एंड गाइस जल्दी से जाके जे टाउन जम्मू को भी सब्सक्राइब करो, 10,000 करवाओ गाइस, और गाइस मेरे भी जल्दी से 1.5 मिलियन कंप्लीट करो, फिर एक सरप्राइज आपका वेट कर रहा है। तो चलो मिलते हैं ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक ठीक है, बाय बाय गाइस।